हेलो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप बहुत अच्छी है तो आइए आज सबका तो स्वागत करते हैं और आज के में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक अब आपका क्या है सबसे पहले सार्थक अंकों के बारे में चर्चा करेंगे जो ग्यारहवीं कक्षा की जो रसायन विज्ञान का लेक्चर जा रहा है आपका टाइम टू टाइम आज का जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम चर्चा करेंगे क्या सर आपके सार्थक अंकों के बारे में उसके बाद फिर क्या रासायनिक संयोग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो भाई चर्चा ही करना है अच्छे से करना है और सभी टॉपिक के बारे में बेहतरीन तैयारी करनी है तो फटाफट आना देर मत करना कॉपी लेकर सबसे पहले सब लोग को नमस्कार सबको हेलो है सब लोग प्यार और सब लोग को भाई क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी आना देर मत करना सबसे पहला हेडिंग आपका होगा सार्थक अंक क्या सार्थक अंक क्या सार्थक अंक के बारे में चर्चा करेंगे सर क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर लो भाई ले लो ले लो सिग्निफिकेंट अरे भाई नंबर इसके बारे में चर्चा करना है सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में सार्थक अंक किसे कहते हैं किसी अंकों में उपस्थित अधिकतम क्या है? अंकों की वह अधिकतम संख्या जो उसके यथार्थ मान को क्या निर्धारित करता है वही संख्या हमारी क्या कहलाती है भैया सार्थक संख्या कहलाती है इसको मैं लिख देता हूं भाई क्या है देखिए ध्यान से क्या सबसे पहले आपका शुरुआत होता है कि किसी भी अंक में किसी भी संख्या संख्या में उपस्थित अंकों की अंकों की संख्या जो संख्या जो उसके यथार्थ मान को उसके यथार्थ मान को निर्धारित करता है क्या सर यथार्थ यथार्थ होगा यथार्थ यथार्थ मान को निर्धारित करता है मान को निर्धारित क्या सर करता है निर्धारित करता है सार्थक अंक कहलाता है लोग क्या सर सार्थक अंक कहलाता है अंक कहलाता है हो गया यानी सार्थक अंक कहलाता सीधी सीधी बात है कि कोई भी बड़ी संख्या है उसमें उपस्थित अंकों की संख्या जो उसके यथार्थ मान को निर्धारित करता है सार्थक अंक कहलाता है है बात आती सर यथार्थ मान क्या होता संख्या कौन सी होनी चाहिए कितने मान को मानते हैं इधर आओ क्या सर इधर आओ दिखाते हैं देखो सबसे पहली बात मान लो तीन पांच छे सात दस लगा दो यहां जीरो तीन चार है ना ऐसे करके लिख दिया मैंने ये है अब मान लो ये है इसमें अगर पूछा जाए सार्थक तो, तो बता ले जाओगे लेकिन इसका एक अलग से रूल आता है इसे क्या करेंगे सबसे पहले वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे लिखने के बाद लिखने के बाद उसमें देखेंगे कि सार्थक अंक कितने हैं तो इधर आओ इसको क्या करेंगे सबसे पहले वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे क्या इसको सबसे पहले सबसे पहले वैज्ञानिक क्या सर वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे क्या संकेत में लिखना अब वैज्ञानिक संकेत में लिखने का क्या बताया था कि दशमलव हमेशा एक अंक के पीछे करो क्या तो तीन दसमलो पांच छ सात जीरो तीन चार गुड़े दस के पावर कितना अंक आया एक दो, दो अंक आया तो गुड़े दस के पावर दो हो जाएगा ठीक अब बात आती सर इतना जब हो गया तो इसको देखो अभी भी आपका क्या यह सही नहीं माना जाएगा अब आपको क्या है उसकी यथार्थ मान यथार्थ मान का मतलब होता है निकटतम मान परिशु मान क्या लगभग लगभग शुद्ध मान तो शुद्ध मान क्या होगा जैसे आपके पास अगर लिखा है जीरो दशमलव नौ तो क्या बोलोगे सर ये एक लिखा है लगभग क्या लिखा है एक लिखा है अगर आपके पास लिखा है जीरो दशमलव दो दो तीन चार तो इसको ऐसे रहने दोगे लेकिन अगर आपके पास लिखा है जीरो दशमलव दो है ना सात तो इसको क्या लिख सकते हो जीरो दशमलव दो तीन लिख सकते हो लिख सकते हो ना ये छे को छे को क्या कर सकते हो सर सात कर सकते हो क्यों क्योंकि इसके आगे वाली वैल्यू क्या सर सात है या उसके लिए लिखा है वो छे जो है वो निकटतम सात के करीब है है ना जैसे कहने मतलब एक लाइन है ये सेंटर है जीरो वाला इधर आएंगे तो माइनस एक है ना और इधर आएंगे माइनस दो इधर आएंगे माइनस तीन इधर जाएंगे प्लस एक इधर आएंगे प्लस दो इधर आएंगे प्लस तीन तो डाट डाट डाटा ऐसे अब अगर मान लो मान लो मेरे पास क्या सर मैं यहाँ यहां बीच में क्या होता है एक दो तीन छोटे छोटे पॉइंट होते हैं होते ना दस पॉइंट था पटरी में देखा होगा आपने स्केल में देखा होगा स्केल में क्या आपने देखा होगा कि उसमें क्या <laughs> आराम से छोटे छोटे क्या होते हैं पॉइंट होते हैं अब बात आती है कि सर जो पॉइंट होगा हाँ, क्या होता है यानी कि दो के बीच में दो और तीन के बीच में दस पॉइंट होती है तो ये आपका मिनिमम वैल्यू तो इसमें अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ दसमलव मतलब तो दो दसमलव तीन पे है क्या रुको दो के बाद अगर गया तीन पॉइंट तो दो दसमलव तीन लिखा मान लो आप यहाँ है अब ये दो दसमलव तीन जो पॉइंट ये है वो किसके करीब है किसके करीब है इसको थोड़ा बड़ा करके समझाएं तब ज्यादा समझ में आएगा चलो मान लो मैं यहाँ एक इस, यहाँ इसमें एक डब्बे में एक, एक पटरी बनाता हूँ क्या सर एक मतलब स्केल बना लिया एक स्केल बनाया अब स्केल में आपका यहां से चलो मैं जीरो से ही शुरू कर देता हूँ जीरो फिर बीच में क्या सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक दस तो यहाँ एक हो गया फिर एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फिर दस हो गया दो हो गया फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तीन हो गया ऐसे आपका क्या है डाट डाटा डा, डा, आगे जाता है ठीक मान लो ये है अब यहां से अगर हम अगर हम कहें कि सर एक दशमलव हमें तीन लिखना है या जीरो दशमलव तीन लिखना है तो जीरो दशमलव जीरो के बाद तीन पॉइंट जाओ तो तीन पॉइंट या चार पॉइंट मान लो आपने तीन पॉइंट पे कहे तीन पॉइंट यहाँ है तो इसको बोलेंगे जीरो दस तीन तीन, चार, पांच छे छह पे चले गए जीरो दस लिखा ये। है ना हो गया अब आपसे अगर कोई पूछे कि जीरो दस तीन जो है और जीरो दस में अगर देखा जाए तो कौन किसके करीब है कौन किसके करीब है तो देखा जाएगा तो क्या कहोगे कि जीरो दसलो तीन जो हमारा है वो जीरो के करीब है, है ना और जीरो जो है वो एक के करीब है क्या है एक के करीब यानी कि अगर हम जीरो दसमलव तीन लिखा है तो वो जीरो के करीब है इसका मतलब जीरो है ठीक और अगर जीरो लिखा है, तो उसका मतलब वो के करीब है अतः क्या है? वो के करीब सॉरी एक के करीब है और एक के करीब तो उसको मैं क्या एक लिख सकता हूं यानी कहने का मतलब ये पता चला कि जो मिडिल पॉइंट फाइव वाला पॉइंट बिंदु है अगर निकटतम वैल्यू लिखना है तो उसके बगल की वैल्यू अगर पांच है या पांच से अधिक है क्या दशमलव के बाद अगर कोई पांच है या पांच से अधिक है तो भाई उसके आगे वाले नंबर में एक जोड़ देते हैं क्या एक जोड़ देते हैं अगर कम है तो नहीं जोड़ते हैं जो है वही होगा मतलब कहने का यही कि अगर दो दसमलव तीन लिखा है तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे दो लिखेंगे क्यों क्योंकि ये करीब है दो के और अगर ये दो दशमलव छह लिखा है तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखेंगे तीन लिखेंगे क्यों क्योंकि ये तीन के करीब है बात समझ में सात लिखा तो करीब है आठ लिखा तो करीब है नौ लिखा है तो करीब है पांच लिखा है तो भी करीब मानते हैं अगर लेकिन पांच या पांच से कम आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे करीब नहीं मानेंगे बात समझ में आई तो ये बात होती है सर आगे से आगे देखते हैं सर अगला क्या होगा टू, थ्री, चले? हाँ, तो यहां बात आती है कि सर ये तो हो गया यहां बात आती है ये जो हमारा टॉपिक था इसको थोड़ा सा ऊपर करो ये जो टॉपिक था इसी को क्या करना है लिखना है अब मैं क्या कर रहा हूं इस पांच को इस तीन को कुछ नहीं करूंगा पांच को कुछ नया नाम दूंगा तो पांच के बगल का देखो कौन सा नंबर छे है अब ये पांच के बगल ये छे छप्पन लिखा है तो ये छप्पन साठ के करीब है कि नहीं है? है ना तो ये साठ के करीब है तो छप्पन को साठ लिख सकते हैं मतलब छप्पन को लिखना है तो साठ लिख सकते हैं इसका तो पांच की जगह पे क्या आ जाएगा छ आ जाएगा तो यस सर इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि ये है तीन दशमलव पीछे की वैल्यू गायब गुड़े दस की पावर दो अब ये दिखा क्या सर इसमें यथार्थ मान मतलब लगभग ये क्या है तीन सौ छह के करीब है तो ये जो अंक दिखेगा अंकों की संख्या उसी को हम क्या बोलेंगे सार्थक अंक अब इसमें क्या है सर सार्थक अंक जो हमारा होगा वो कितना होगा मेरे लाल बाल गोपाल दो होगा सार्थक अंक कितना होगा दो होगा क्या आपको समझ में आया आया जी सर चले समझ में आया आ रहा है ना ठीक आ रहा समझ में आ रहा सर दिक्कत होगी तो बता देना अब ये बात होती है कि सर ये हो गया अब इसके आगे हमें सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियम क्या क्या होते हैं मैं मतलब हम किस किस अंकों को मान सकते हैं सार्थक अंक किसको नहीं मानेंगे सार्थक अंक सपोज अगर आ गया कोई नंबर ऐसे लिखा है जैसे अभी इसको मैंने समझा दिया अगर ऐसे कोई और नंबर आता है उसको सार्थक अंक मानेंगे कि नहीं मानेंगे किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे तो उसको देखते हैं कि सर नियम क्या होता है सार्थक अंक का निर्धारित करने का तो वन टू थ्री चलिए स्क्रीन शॉट ले लो फटाक से अब ये बात आती है सार्थक अंक निर्धारित करने के नियम सार्थक अंक निर्धारित करने के नियम बाईस अंक निर्धारित करने के नियम इसके बारे में अगर समझना है तो पॉइंट समझेंगे हम करके कि सार्थक कैसे हम निर्धारित करें? है ना कैसे निर्धारित करेंगे इधर सुनो ध्यान से क्या होगा आपका पहला पॉइंट क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं क्या सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं मतलब शून्य को छोड़ करके सभी अशून्य अंक क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं हो गया दूसरा आपका क्या होगा क्या है? सार्थक यानी अशून्य अंक के क्या सर अशून्य अंक के बाई और या फिर दाई आपके सामने जैसे मान लो बुक है क्या इसके सामने बुक है तो आपका दाया इ, आपका बाया ये है, आपका दाया है. तो अशून्य अंक जो होगा है कोई अंक जैसे है अगर अंक के इधर तो क्या बोलेंगे उसको बाया अगर अंक के इधर कोई चीज है तो उसको क्या बोलेंगे दाया तो ऐसे सुनना ध्यान से अशून्य अंक के बाई और अशून्य अंक के ये कह लेंगे अशून्य अंक के बाएं तरफ अशून्य अंक के बाई और के शून्य को शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते हैं क्या सार्थक अंक नहीं मानते हैं हाँ, हो गया ये बात को ध्यान से सुना अगला पॉइंट अशून्य अंक के दाएं और अशून्य अंक के अंक के दाए और, और के शून्य को शून्य को सार्थक अंक मानते हैं लो यहां से ध्यान से सुनना किसको मानते हैं किसको नहीं मानते सार्थक अंक मानते हैं ये हो गया ये बात होगी अगला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर करो भाई दो अशून्य अंकों के बीच में दो अशून्य अंकों के बीच में है ना उपस्थित शून्य को उपस्थित शून्य उपस्थित शून्य को सार्थक अंक मानते हैं अंक मानते हाँ, हो गया सार्थक अंक मानते हैं ठीक अगला पॉइंट क्या है अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए ध्यान से सुना ये बात बहुत पॉइंट की है किसी संख्या में गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसमें से जो छोटी संख्या होती है उसमें जितना सार्थक अंक होता है वही सार्थक अंक आंसर का भी माना जाता है ये हो गया? अब यहां से अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू ये सभी बातें हो गई जो भी है एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से जैसे मान लो लिखा है एक तीन चार में कितने सार्थक अंक है क्या में सार्थक अंक है न? ए, एक काम करते हैं मैं क्वेश्चन ढेर एक ही बार में दे देता हूं सार्थक अंक कितने होंगे अरे भाई सार्थक अंक होंगे कितने होंगे पता नहीं आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा सब ऐसे मान लो सवाल दिए हैं पहले में क्या दिया है पहले में नंबर लिखा सब है ना एक दो तीन दूसरे में क्या लिखा है जीरो दशमलव जीरो तीन चार और इसमें क्या लिखा है तीन जीरो तीन मतलब तीन सौ लिखा डायरेक्ट ऐसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है तीन सौ ऐसे डायरेक्ट लिखा है समझ लो तीन सौ लिखा है चौथे नंबर पे तीन सौ पांच लिखा है है ना मे सार्थक अंक अब यहां से क्या होगा सार्थक अंक अब देखो सार्थक अंक अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई आपके पास पहले में कितना अंक है सीधा सीधा जितने अपूर्ण अंक है मतलब अशून्य अंक है शून्य मतलब को छोड़ यहाँ सब दिख रहा है एक दो तीन अंक दिख रहा है ना तो इसमें कितने अंक अंक है टोटल तीन तो तीन अंक तो इसका सार्थक अंक कितना होगा सर तीन होगा बस हो गया तीन हो गया अगली बात आती है इसमें सर इसमें जीरो दस जीरो तीन दो तीन चार है अब सार्थक अंक इसमें कितने हैं तो आप पॉइंट नंबर इसको आ जाओ अशून्य अंक के बाएं और के शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते हैं आपके सामने अशून्य अंक ये है एदर, इसका बाया, इसका बाया क्या? सर, इधर इसका इसका ठीक अब बात आती है सर जब नहीं मानेंगे तो इसमें कितने अंक दिख रहे हैं भैया दो ये अंक तो दिख रहा है तो इसमें कितना होगा सार्थक दो होगा ठीक अगली बात आती है कि अशून्य अंक के क्या अशून्य अंक के क्या है दाएं और यानी आपके सामने ऐसे दिख रहा है तो ये तीन है तीन के इधर क्या है सर नी तरफ क्या है आपका शून्य तो उसको सार्थक अंक मानते हैं यस सर तो इसमें एक दो तीन टोटल काउंट कर लेंगे जितने नंबर हैं हैं तो कितने है सर तीन. हो गया इसमें क्या होगा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पांच को अगर हम देखें तो पांच के बाई और है तीन को देखें तो तीन के दाई और है लेकिन एक पॉइंट और लिखा कि सर दो अशून्य अंकों के बीच में मतलब दो अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आता है तो उसको सार्थक में हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो बॉर्डर लाइन से क्या बंध चुका है है ना बंध चुका है अगर वो किसी से बंध गया तो छूट नहीं सकता जैसे शादी हो गई आपकी मान लो तो शादी के बंधन में बंध गए छूटने वाला है जल्दी नहीं छूटेगा है ना तो ये आपका हो गया सर इसमें कितने टोटल तीन दिख रहे हैं एक दो तीन सबको काउंट करेंगे तो सार्थक अंक कितने हो गए सर तीन हो गए इसमें क्या आपको समझ में आया एक बार में ये आपको पूरा क्लियर हो गया अब आपसे सवाल जो भी बनेगा गुड़ा करने का भाग करने का तो ऐसे ही आप क्या है उसको लिख करके और कैलकुलेट कर सकते हो जब बड़ी संख्या की तो उसको क्या वैज्ञानिक संकेत में लिख देना और अगर छोटी संख्या तो उसको तो देख ही सकते हो बस चले आगे अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं चलो वन टू थ्री नोट हो गया अगला क्या होगा अगला अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सर रासायनिक संयोग के नियम क्या रासायनिक संयोग के नियम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रासायनिक संयोग के नियम केमिकल कॉम्बिनेशन क्या लॉफ केमिकल कॉम्बिनेशन ठीक इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो देखना ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यह है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम रासायनिक संयोग का नियम जो है इसमें देखना है कि भैया हमारे पास क्या है रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे यौगिक बनाएंगे उनमें क्या क्या नियम हो सकता है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं तो तमाम वैज्ञानिकों ने मिलकर के अलग अलग नियम दिया अपना अपना सुझाव दिया जैसे मान लो आपके चार पांच दोस्त हैं कोई चीज पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देख रहे हो अब मान लो कि ये पानी आप देख रहे हो तो किसी दोस्त ने कहा कि भाई इसका ढक्कन क्या सर गोल है क्या है सपोज इट कोई नहीं जानता था कि ये क्या सर ये गोल दिख रहा है खोखला दिख रहा है तो एक दोस्त ने कहा कि अरे यार ये तो गोल है बता दिया उनका नाम आ गया एक दोस्त ने कहा कि बाटल बीच में चपटी है भी किनारे किनारे क्या है मोटा है सर लेकिन राड की तरह है बीच में खोखला है ऐसे बोल दिया एक दोस्त ने कहा कि इसमें जो पदार्थ भरा हुआ वो लिक्विड है बस आ, सर यही सब बातें क्या है अलग अलग यानी कि है तो एक ही रासायनिक एक ही रसायन है लेकिन इसके बारे में कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया तो ऐसे क्या हमारे पास वैज्ञानिक भी थे पागल ही थे बकलोल रहते हैं ये सब अब भाई बगलोल नहीं हमसे तो होशियारी है लेकिन क्या करें बच्चों को परेशानी में डाल के चले गए सबसे पहले आपका हेडिंग आता है द्रव्य अविनाशिता का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या द्रव्य अविनाशिता का नियम द्रव्य अविनाशिता का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम संरक्षण का नियम हो गया लॉ मास कंजर्वेशन क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन ठीक ऑफ मास कंजर्वेशन अब बात आती है सर इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो क्या क्या हम कह सकते हैं आइए इसके बारे में क्या है क्या सबसे पहली बात आती है कि इसका निर्माण या फिर इस नियम को किसने दिया था किस सज्जन का दिमाग चला था इसके लिए आइए देखते हैं तो यम्बी लोमोनसाव देख लो नाम कैसा है है ना? वैसे लोटपोट थे ये यम्बी लोमोनसाव नामक वैज्ञानिक ने एमबी लोमोनसाव साओ ने सन सत्रह सो ईस्वी में क्या सर सत्रह सो छप्पन ईस्वी में इस नियम को दिया था क्या सर इस नियम के बारे में कहा ठीक इस नियम के बारे में भैया इस नियम के बारे में बारे में बताया चलो मान लो बताया इस नियम के बारे में बताया लेकिन ये खुद के लिए ही नहीं थे तो क्या हुआ कुछ समय के बाद वैज्ञानिक आए क्या मतलब वो पुराने वैज्ञानिक थे लेकिन उन्होंने देखा इनकी बातों को रिसर्च किया पता किया तो क्या हुआ कि सर बाद में इसकी पुष्टि हो गई कब हुई है सर सत्रह सो चौहत्तर ईस्वी में क्या हुआ ठीक ठीक सत्रह सो चौहत्तर ईस्वी में क्या हो गया कि आ, लवैसीय जो वैज्ञानिक थे जो रसायन के दाता थे जो रसायन के पिता थे है ना जिन रसायन का जिनसे जन्म हुआ था वो उन्होंने आकर के और उनके साथ एक कोई चेले थे या कोई था भाई उनका दोस्त यार रहा होगा लेंडोल्ड नाम था तो लेंडोल्ड और लोमोन सॉरी लेवैसी दोनों लोग मिल करके सत्रह सौ में इस नियम की पुष्टि की क्या बाद में ऐसे बोलेंगे बाद में क्या सर बाद में बाद में सत्रह सो चौहत्तर ईस्वी में आ लेवासी जो वैज्ञानिक थे लेवासी और लेंडोल्ड क्या सर लेंडोल्ड ने इस नियम की पुष्टि की इस नियम की पुष्टि की, हो गया अब भाई इस नियम की पुष्टि तो कर दी तो जरा ये बता दो इस नियम के अनुसार क्या होता है क्या अब बोलेंगे इस नियम के अनुसार अभी तक तो क्या सर सब बकलोली हो रहा था इस नियम के अनुसार ये हो गया आपका इस नियम के मैं कहा लिखा हूं नियम के अनुसार बात आती है कि सर कि नियम में क्या कहा गया क्या द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं बस क्या सर या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान रहता है ठीक क्या है किसी रासायनिक अवक्रिया में अभिक्रिया में क्या किसी रासायनिक अवक्रिया में अविकारक का द्रव्यमान या अविकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है क्या सर उत्पादों की के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ठीक ये हो गया बस इतना कहना और कुछ नहीं कहना यानी कि यहां से अगर आपको और भी अच्छे से एग्जाम्पल देकर के समझा दे, दे हम, तो आप ऐसे यूं समझ जाओ क्या समझो एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं आप, आपके लिए यहां से जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल क्या छोटा सा एग्जाम्पल कार्बन है बारह ग्राम है ना ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है सर बत्तीस ग्राम हो गया मिलाया सीओ टू बना कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो द्रव्यमान टोटल देखा गया तो बारह बत्तीस क्या होगा सर चौवालीस ग्राम क्या आया चौवालीस ग्राम आया और इसको जब देखा गया तो इसका भी चौवालीस ग्राम आया कैसे कार्बन का होता है बारह ऑक्सीजन का होता है सोलह सोलह बत्तीस बारह बत्तीस चौवालीस बस यानी कि चौवालीस ग्राम यहाँ भी आया अलग अलग देखने पर सेम आया तो भी दिखा अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो यहां से एक एग्जाम्पल और लिख लो एच मान लो ये आपका क्या है और प्लस सी एल टू ब्रह्मांड केस में अगर हम देख रहे हैं तो एच सी एल अब इतना बना लेकिन पहले आप क्या करो इसको बैलेंस कर दो पहले तो बैलेंस के दो दो है तो दो लगा दो यहां हो गया बैलेंस अब क्या क्या है आपको क्या है? देखना है तो सबसे पहले इसको देखो ये हाइड्रोजन कितना होगा सर दो होगा दो गुड़े एक बराबर दो इसका क्या सर दो गुड़े पैंतीस दसमलव पांच यानी पैंतीस दशर इकहत्तर आ गया और इसको क्या करेंगे सर दो गुड़े कोष्टक में ये एक प्लस पैंतीस दसमलव पांच मतलब इसका अणुभार टोटल तो क्या आ गया सर दो गुड़े छत्तीस दसमलव पांच अब सबसे पहली बात तो इसको दोनों को जोड़ो इसको दोनों को जोड़ दो तो भाई ये कितना आएगा सर तिहत्तर आएगा क्या तिहत्तर आएगा इकहत्तर दो तिहत्तर आ गया और इसको अगर हम गुड़ा करेंगे तो हमारा गुड़ा करने के बाद क्या आएगा देख लो देख लो पांच दूनी दस गुड़ा ऊपर करो थोड़ा सा पांच दो आए दस के जीरो तीन छह दूनी बारह बारह एक तेरह के तीन एक, तीन दुनी एक साथ, एक बाद पीछे तो 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 रासायनिक संयोग के नियम में दिख रहा कि नहीं दिख रहा दिख रहा ना थोड़ा सा नीचे कर लो हल्का सा बस हो गया okay? रासायनिक संयोग के नियम में क्या है द्रव्य का अविनाशिता का नियम या फिर यू कह सकते हो कि धर्मांत संरक्षण का नियम हमारा क्या है भाई यही है लेकिन इतना पहले जाकर के ताम झाम हुआ है तब जाकर के हुआ है ये चीज आई बात समझ में तो चलते हैं आगे मिलते हैं अगला टॉपिक अगला एडिंग स्थिर अनुपात का नियम चलें जी सर एकदम अच्छे से अब चलते हैं। आगे वन टू थ्री चल भाई क्या है दूसरा पॉइंट दूसरा स्थिर अनुपात का नियम लाभ रेसिप्रोकल प्रोकल है ना अच्छा चानीफा इधर आओ स्थिर कांस्टेंट रेशियो होगा अब बात आती है सर स्थिर अनुपात का नियम के भी बारे में किसने बताया इसने एक वैज्ञानिक थे आ, जे जेएल पुरष्ट है ना जेएल पुरष्ट थे और उन्होंने कहा कि भाई 1797 में एप्रोक्सीमेट लगभग वहां बताया गया इसके बारे में इन्होंने कुछ और कहा भार के हिसाब से कहा इसका दूसरा नाम होता है भारानुपात आप ले लेना नहीं सर पता नहीं भारानुपात है ना का नियम हो गया भारानुपात का भी नियम कहते हैं तो आइए इसको देखते हैं कि भाई किसने कहा था रिस्टर ने जेल पृष्ठ नहीं जेएल पृष्ट जेल पृष्ठ जे मतलब जेएल पृष्ठ ने सन सत्रह सो सत्तानवे ईस्वी में है ना सत्रह सो सत्तानवे ईस्वी में इस नियम को दिया इस नियम को दिया या इस नियम के बारे में बताया इस नियम के अनुसार क्या होती है बात क्या कहानी होती है इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या इस नियम के अनुसार किसी दो अलग अलग परमाणुओं की निश्चित मात्रा में योग करने के बाद बना हुआ जो उत्पाद होगा क्या बना हुआ जो उत्पाद होता है जो यौगिक होता है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या का जो भार अनुपात आता है वो एक क्या होता है नियत होता है एक निश्चित होता है और कुछ नहीं क्या निश्चित होता है तो परमाणुओं द्वारा क्या डायरेक्ट ले लो चलो हटाओ किसी यौगिक में यौगिक में उपस्थित परमाणु उपस्थित परमाणुओं का भार उपस्थित परमाणुओं का भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान लिखो उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान, द्रव्यमान, एक निश्चित अनुपात में क्या सर एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में रहता है अनुपात में रहता है हो गया चले एक निश्चित अनुपात में रहता है ये हो गया अब ये बात आती है एग्जाम्पल कैसे होगा एग्जाम्पल में बताता हूं आपको उनका भार का अनुपात की बात कर करा ध्यान से सुना देखिए एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे एग्जाम्पल में अगर मान लो वही बात मान लो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया किया और बना लिया क्या सर जल बना लिया चलो सब ये क्या जल बना लिया अब जल जो बना है आपका तो ये जल चाहे दो अणु बना हो चाहे तीन अणु बना, बना हो चाहे चार अणु बना हो अगर जल का सूत्र देखा जाए तो सिर्फ इतना है तो जल का जो सूत्र आपका है एच है अब एच टू ओ में अगर बात किया जाए कि सर इसमें अनुपात कितना होगा भार अनुपात मतलब सोलह अगर इसको डिवाइड करेंगे दो बटे सोलह यानी क्या होगा सर एक अनुपात आठ ये स्थिर अनुपात का नियम होगा क्या एक अनुपात आठ होगा यह स्थिर अनुपात का नियम ठीक आएगा समझ में चले ये होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम आप ऐसे जो एग्जाम्पल पीछे दिया गया तो उसको लिख लेना मतलब यहां बाहर से तुलना करेंगे हम और किसी से नहीं बाहर से चलो आगे समझ में आते वन टू थ्री चलो अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम स्थिर के बाद क्या है गुड़ित अनुपात का नियम स्थिर के बाद क्या आएगा गुड़ित अनुपात का नियम तीसरा पॉइंट गुड़ित अनुपात का नियम हो गया गुड़ित अनुपात का नियम अब बात आती है सर गुड़ित अनुपात का नियम जो है लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन हो गया इसके बारे में पढ़ना है कि भाई गुणित अनुपात का नियम क्या है तो पहली बात तो यह आती भाई किसने दिया क्या सर किसने दिया गुड़ी का नियम इसके बारे में चर्चा करते हैं आइए देखते हैं किसने दिया तो का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था अठारह सो तीन ईस्वी में क्या अट्ठारह ईस्वी में क्या जॉन डाल्टन ने यह अब बात आती है कि सर कैसे होगा तो लिखेंगे सबसे पहले कि क्या है जान सन 1800 सोरे लिखो सन 1800 सो तीन ईस्वी में जॉन डाल्टन जान डाल, डाल दिए थे इसमें है ना ये जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन ने इस नियम को दिया ठीक इस नियम को दिया या इस नियम के बारे में अपनी आशा प्रकट की आशा व्यक्त की जो भी किया आइए बात आती सर आगे क्या होगा इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार क्या बोलेंगे इस नियम के अनुसार की बात अगर की जाए तो क्या होगा भाई मेरे लाल बाल गोपाल क्या होगा सर मजा आएगा जिंदगी ने कहा हमसे क्या जिंदगी ने हमको घेरा नहीं मौत ने हमको घेरा है ना हम कहा आके पहुंचे हैं ये गाना तो होगा ना वक्त के सताए हुए हैं नहीं इधर सुनो क्या है सर इस नियम के अनुसार क्या बात आती है कि इन्होंने जो कहा कि जैसे मेरे पास कोई परमाणु यौगिक बनाता है तो यौगिक में जो उपस्थित परमाणु होते हैं परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात में होती है बस जो बात ऊपर कही गई थी वो भार का अनुपात कहा गया था वही बात नीचे कहा गया बस यही कहा गया कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा बस और कुछ नहीं क्या क्या होगा क्या होगा सर यौगिक यौगिक में उपस्थित परमाणु क्या उपस्थित परमाणु परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात में होती है एक निश्चित अनुपात में या एक सरल अनुपात में ऐसे लिख सकते हो गुणित होती है एक निश्चित अनुपात में होती है एक निश्चित गुणित अनुपात में होती है गुणित अनुपात में होती है एक दूसरे के मतलब ये बोलेंगे इसको समझने के लिए मैं आपको अगर एग्जाम्पल दू तो देखो ध्यान से क्या सर एग्जाम्पल जो आपका होगा वो क्या होगा एग्जाम्पल आपका यही है एग्जाम्पल जो आपका होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो समझना जरूरी है क्योंकि थ्योरी तो भाई लिखा ही है इसको समझ नहीं पाते हैं तो समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जैसे अभी अभी मान लो मैं अमोनिया नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराता सपोज दैट और क्या बनाया मैं अमोनिया बना दिया बैलेंस कर दो भाई बैलेंस करने का काम दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो यहां तीन कर दो क्योंकि हाइड्रोजन हो गया ये अच्छा अब इसका जो अनुपात आया जो अनुपात होगा वो मेन यौगिक को उठाओ केवल यौगिक को उठाओ केवल यौगिक को उठाओ अगर हम कह दें कि अमोनिया का क्या अमोनिया का सूत्र क्या होगा तो क्या बताओगे सर अमोनिया अमोनिया का सूत्र तो क्या बोलोगे सर एनएस थ्री बोलोगे बोलोगे ना तो एनएस थ्री में अगर देखा जाए परमाणुओं का अनुपात तो क्या होगा सर एक बार नाइट्रोजन है और तीन बार क्या सर हाइड्रोजन है इसका मतलब दोनों का अनुपात अगर हम देखेंगे तो एक अनुपात तीन हो गया यानी एक अनुपात तीन अर्थात हाइड्रोजन तीन बार है क्या हाइड्रोजन तीन बार है यानी नाइट्रोजन का तीन गुना मतलब नंबर का तीन गुना नाइट्रोजन के नंबर का तीन गुना है आपका क्या है हमारे पास

चले वन टू थ्री अगर आपको ये बात आ गई समझ में तो तीन पॉइंट हो गए चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट आपका क्या होगा तुल्य अनुपात का नियम या फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात, अनुपात का नियम है ना अनुपात तो का नियम या या ना लिखो या मैं ऐसे डाट लगाता हूं या व्युतक्रम अनुपात का नियम ये दोनों नाम है अनुपात का नियम अब ये बात हो गई सर इसके बारे में अगर कहा जाए तो क्या होगा और सबसे पहली बात इनको किसने दिया था ये लो तमाम वैज्ञानिक आ जाते हैं टपक पढ़ते हैं यहाँ इसको कितने कौन जेवी रिस्टर हमको लग रहा जो है और जेवी रिस्टर इस वक्त एक एक खानदान क्या है, है ना क्योंकि उनका भी नाम जे एल से आया था इनका भी नाम जे से आया है पुरुष हो गया था यहाँ रिस्टर आ गया है मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि इनकी जाति लग रही है जैसे ना हाँ सर ठीक तो इधर आया क्या हुआ कि सर इसमें जेवी रिस्टर ने जेवी रिस्टर जेवी रिस्टर जेवी रिस्टर नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने सन क्या सर सन अठारह सो नहीं यार, सन सत्रह सो बानवे ईस्वी में ईस्वी में इस नियम को दिया क्या सर इस नियम को दिया हो गया चले देखते हैं क्या हुआ सर जेबी रिस्टर ने दिया भाई जेबी और जे एल ये सब सब एक खानदान के थे बकलोल होते हैं बैठे थे उन्होंने कहा भाई हम तुल्य अनुपात देते हैं स्थिर अनुपात दिया इन्होंने कहा हम तुल्य अनुपात देते हैं हा? तुम स्थिर करो हम तुल्य करेंगे मतलब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हुआ इनका मतलब क्या हुआ ये थोड़ा सा होशियार लग रहे थे थोड़ा सा ज्यादा दे दिए ज्यादा बता दिए इन्होंने कहा इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कहानी इसकी यहां से शुरू होती है इस नियम के अनुसार मामला यही आके शांत हो जाएगा अभी देखना इस नियम के अनुसार क्या सर लो नियम के अनुसार क्या होता है बात यह है कहा गया पहले तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इन्होंने कहा कि जैसे मान लो ए है ये बी से भी क्रिया किया और सी से भी क्रिया किया है ना ये क्या बता दिया ए बी बन गया और ये क्या बना दिया सर ए सी बना दिया यानी कि जब ए बी से क्रिया किया तो ए बी बना ए सी से क्रिया किया तो ए सी बना बना उसके बाद ये ए बी और सी दोनों क्रिया किया बी सी बना बना हाँ सर इस प्रकार से तो अब यहां क्या कहा गया है कि जो मेरे पास ए था उसकी समान मात्रा बी और सी के निश्चित मात्राओं से क्रिया करता है क्रिया करके यौगिक बनाता है उसमें जो परमाणु अलग अलग हैं इन दोनों का एक स्थिर अनुपात होता है एक सरल अनुपात होता है जिसे कहा गया क्या सर या तुल्यता का नियम, है ना? क्योंकि ये समान था दोनों में समान रहेगा ये ये ए जो है वो दोनों में समान रहेगा और ये बी और सी अलग अलग मात्राएं रहेंगी ये दोनों क्रिया करेंगे तो जो यौगिक बनेगा वो ये उसमें भी ये है और इसमें भी ये है तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो यहाँ है वही ए यहाँ है जितनी मात्रा यहाँ है उसकी उतनी मात्रा यहाँ है तो बी और सी अलग अलग हैं और बी और सी का जब अनुपात देखेंगे तो कुछ एक सरल अनुपात आएगा और बी और सी को जब मिलाएंगे फिर बनाएंगे तो उसको भी देखेंगे तो एक सरल अनुपात आएगा बस है आइए इसको एग्जाम्पल से करते हैं और इसकी थ्योरी लिखते हैं पहले क्या हुआ क्या हुआ कि यहां से जब जब किसी एक तत्व के तत्व के समान मात्रा के साथ समान मात्रा के साथ समान मात्रा के साथ है ना समान मात्रा के साथ एक किसी एक तत्व की समान मात्रा के साथ है ना दो अलग अलग तत्व दो अलग अलग तत्व एक निश्चित मात्रा में तत्व तो, की निश्चित मात्राएं मात्राएं आपस में क्रिया करती हैं आपस में क्रिया करती हैं तब हो गया जब क्रिया करती हैं तब तब उनमें दोनों परमाणु एक सरल अनुपात में होते हैं क्या सर दोनों चलिए क्या हो गया कि सर इसमें देखिए ध्यान से दोनों तब दोनों तत्व एक सरल अनुपात में एक सरल एक सरल अनुपात में अनुपात में होते हैं हो गया एक सरल अनुपात में होते हैं और उनसे बना यौगिक क्या है वो भी उसी अनुपात में पाया जाता है तथा उनसे बना अलग यौगिक अलग यौगिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है यौगिक उसी अनुपात में पाया जाता है योगिक उसी अनुपात में उसी अनुपात में पाए जाते हैं पाए जाते हैं चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एग्जाम्पल देते हैं हम आपको अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल आपका क्या होगा एग्जाम्पल आपका यही है ये यह तो दिख ही रहा ना दिख रहा ये एग्जाम्पल आपका होगा जैसे मान लो मेरे पास आ, पहली बात तो कार्बन अकेले कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो ये बना दिया मान लो सी एच फोर हो गया यही कार्बन आपका क्या है ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो ये क्या बना दिया सर सी टू हो गया बना हाँ सर बना अब इसमें जो कार्बन की मात्रा समान है कार्बन की मात्रा क्या समान है भाई बारह ग्राम ए भी था बारह ग्राम ए भी अलग अलग अपनी मात्राओं के साथ मिले थे तो यहाँ क्या था हाइड्रोजन चार बार क्या यहाँ जो हाइड्रोजन है वो चार बार हाइड्रोजन जो हमारा वो कितनी बार सर चार बार है यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कितनी बार सर दो बार है इन दोनों का अगर अनुपात देखेंगे हम तो चार अनुपात दो यानी क्या आएगा सर दो अनुपात एक आएगा हाँ आएगा अब क्या होता है इसी में से इसी में से मैंने क्या किया मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन को उठा लिया और ऑक्सीजन को उठा लिया अलग से और इन दोनों को जब मिला दिया तो क्या बन गया सर एच टू ओ बना बना बैलेंस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा इस एच टू ओ में एच टू ओ में क्या सर हाइड्रोजन दो बार ऑक्सीजन एक बार दोनों का अनुपात देखेंगे तो क्या आएगा एक अनुपात दो अनुपात एक आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया तो जो यौगिक में इनके साथ आया था अनुपात जो परमाणुओं का उन परमाणुओं का अगर आपस में हम गुड़ा करते हैं मतलब क्या है यौगिक बनाते हैं तो जो यौगिक आता है उसमें जो उपस्थित परमाणु होगा उसका जब अनुपात देखेंगे तो समान रहेगा क्या समान रहेगा इसी कहते हैं तुल्य तो तुल्यूतक अनुपात का नियम बात समझ में आई समझ में आ गया चले या आप एग्जाम्पल अमोनिया का ले लो कोई दिक्कत नहीं अमोनिया और डाइनाइट्रोजोट्रोहाइड्रेट आप ये ले सकते हो क्या आपको समझ में आया जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आया जल्दी से जल्दी से यस सर अब हम बात करते हैं सर गैलुसेक नियम हो गया पॉइंट। गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम वन टू थ्री गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम पांचवा पॉइंट क्या होगा गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम आयतन संबंधी नियम ठीक ये आपका एक पॉइंट लास्ट आज का होगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले दिन गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम क्या होता है इस नियम को सबसे पहले किसने दिया था गैलुसेक ने दिया था क्या गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने बैठे रहते सत्यारे लोग नियम बताते रहे गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 इसमें में थोड़ा सा लंबा ईस्वी में है ना गैसों के आयतन संबंधी आयतन संबंधी संबंधी नियम दिए क्या सर नियम दिए ओ भाई ये दे दिया और जब दे दिए तो क्या कहा इन्होंने इनके अनुसार क्या इनके अनुसार बस गैसीय गैसी अभिकारक क्या इनके अनुसार गैसीय अभिकारक गैसीय अभिकारक क्या का अनुपात गैसीय अभिकारक का अनुपात सॉरी गैसी अभिकारक के आयतन का अनुपात के आयतन या आयतनों का अनुपात और उनसे बना उनसे बने गैसी उत्पादों का यानी गैसीय यौगिकों का उत्पाद सॉरी उनसे बने गैसी यौगिकों गैसीय लिखो गैसीय उत्पादों के आयतन का या आयतनों का अनुपात अनुपात निश्चित होता है क्या सर निश्चित होता हाँ, बस ये कहने का मतलब और कुछ नहीं यानी इनके कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि भाई अगर मैं गैसीय अभिकारक मिलाता हूं जितने आयतन में उतने ही आयतन में हमें दूसरा उत्पाद प्राप्त होगा वो भी गैसीय कणों में है ना बस यही कहने का मतलब जैसे आपका द्रव्यमान था वैसे यहां आयतन होगा बस तो एग्जाम्पल में मान लो मैंने ले लिया एच टू गैस और क्या ले लिया सर सी एल टू गैस क्या सी एल टू गैस चेंज टू टू एच सी एल हो गया अगर देखा जाए तो एक इसका अनुपात है क्या सर एक इसका और एक इसका इधर क्या सर दो देखा जाए तो एक प्लस एक दो आयतन यहां है तो दो आयतन वहां भी है बस और अगर ओवरऑल अनुपात देखा जाए तो एक अनुपात एक अनुपात दो बस हो गया क्या आपको समझ में आया ये टॉपिक आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, है ना अगला एवगा की बात करते हैं से सुनना है की बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक नोट करो इसको जल्दी से नोट कर लो हम यू ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के हाँ इधर आओ क्या हुआ सर अगला टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है मजेदार टॉपिक है अगला आपका क्या होगा एवेगा नियम तब भी थे सुना हो ना आओ गादरो एकदम बकलोल थे चलिए वन टू थ्री चलो वन टू थ्री सर अवेगाद्रो की बात करें अगर हम अवेगाद्रो नियम अगला छठवां नियम क्या एनसीईआरटी में लिखा है आओ गाद्रो है आओ गाद्रो और वैसे लिखा पुरानी बुकों में एवेगाद्रो हाँ एवो गैद्रो अवे गो का नियम ये भी एकदम बकलोले था इनका कहना क्या था लेकिन इन्होंने कब कहा था देखिए 1811 में ये थोड़ा सा पुराने के लेट गए थे 1811 सो ईस्वी में है ना सन 1800 1811 सो ईस्वी में एवो गेद्रो के अनुसार एवो गेद्रो जो भी नाम लिखना हो लिखो एवो गो के अनुसार के अनुसार क्या गैसीय कड़ों के गैसीय कड़ों के आयतन संबंधी नियम दिए आयतन संबंधी नियम आयतन संबंधी नियम आयतन संबंधी दिख रहा नियम नहीं दिख रहा तो नियम यहां लिख लो आयतन संबंधी नियम दिए है ना क्या है परंतु बाद में परंतु बाद में बाद में मतलब सन आ, कह सकते हो यू की एक साल बाद बाद में सन 1812 सो ईस्वी में ईस्वी में यह सिद्ध हुआ यह सिद्ध हुआ ओ भाई क्या हुआ सिद्ध हुआ जब सिद्ध हो गया तो इनके अनुसार क्या कहा गया इनके अनुसार इनके अनुसार ये कहा गया कि जब अनुसार कहा गया तो क्या कहा गया कि समान ताप और दाप पर क्या समान ताप और दाब पर क्या किसी गैस की या गैसीय क्या सर किसी गैसीय अणु के समान आयतन में है ना समान आयतन में गैसीय अणु के समान आयतन में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है क्या अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या समान होती है, है ना अतः अतः एक मोल में एक मोल गैसीय अणु में गैसीय अणु में क्या है गैसीय अणु में अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या एक नियत संख्या के बराबर होती है क्या एक नियत संख्या के बराबर होती है बराबर होती है जिसे क्या सर जिसे अवगाधरो संख्या माना गया है क्या जिसे अवगाधरो संख्या माना गया है ठीक इसे एन ए मतलब छह दशमलव जीरो दो तीन गुणे दस के पावर तेईस से प्रदर्शित करते हैं क्या प्रदर्शित करते हाँ हैं बस ये हो गया और इन्होंने क्या कहा था यही कहा था भैया कि जो बी होता है के होता है क्या V जो होता है वो के होता है कांस्टेंट वैल्यू आती है यहां से आप बोलोगे इज इजकल टू जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या होगी n a होगी इन टू स्मॉल और जो एन आपका है वही क्या है आपका संख्या है ठीक चले यहां से ये बात होती है और कुछ नहीं करना यानी कि कड़ो की संख्या जो आपका ने कहा कि यही बात कहा भाई तो इस फार्मूले को नोट करना और इस नंबर को नोट करे रहना इस बात को हमेशा ध्यान देना कि एक मोल में कड़ों की संख्या जो होगी वो इतना होती है ठीक चले आगे अब मिलेंगे हम अगले दिन अगले टॉपिक में अगले सेशन में मिलेंगे आपसे आज का सेशन यहीं तक के लिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया एक बार कमेंट कर देना कैसा लगा आपको सेशन फिर हम देख लेंगे क्या है जल्दी जल्दी कर देना भूलना मत छोड़ना मत फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ इतने टॉपिक को नोट करना इसको याद कर लेना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा मोल कॉन्सेप्ट होगा आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया ओके टाटा बाय बाय टेक केयर गुड बाय फिर मिलेंगे ओके गुड नाइट